दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं आपका दुश्मन आपके वश में हो जाए? क्या आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है? तो करें यह उपाय, आपका दुश्मन दोस्तों आपके वश में हो जाएगा और दोस्तों पल पल तड़पेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने दुश्मन को वश में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टोटके मंत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि दुश्मन को कैसे तड़पाएं, या दुश्मन को अपने से दूर कैसे करें, या दुश्मन को वश में कैसे करें, या दुश्मन को दोस्तों बीमार कैसे करें, या बेचैन कैसे करें। तो दोस्तों, आप नींबू पर नाम लिखकर अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं, अपनी दुश्मनी खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आप नींबू पर नाम लिखकर अपने दुश्मन को तड़पा सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने दुश्मन को अगर आप अपने से दूर करना चाहते हैं, आपका दुश्मन दोस्तों कोई इंसान बन गया है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि दुश्मन का वशीकरण करें कैसे। दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको देखकर जलता रहता है दोस्तों, तो आप उसको अपने वश में करने के लिए, उसको तड़पाने के लिए, दुश्मन को बीमार करने के लिए दोस्तों आप इस वशीकरण टोटके का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपने एक पीला नींबू लेना है और दोस्तों एक आपने स्केच लेना है काले रंग का, और उसके ऊपर आपने दुश्मन का नाम लिखकर और वशीकरण मंत्र बोलकर आप अपने दुश्मन को तड़पा सकते हैं, उसको अपने से दूर कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, उसको हमेशा के लिए आप तड़पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाए, कभी भी आपको नुकसान न पहुंचाए, या आपकी चूरी निंद्रा न करे, तो दोस्तों इस वीडियो में जो टोटका बताया जाएगा उसका प्रयोग आप जरूर करें और किसी भी दुश्मन को आप अपने से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने नींबू लेना है और दोस्तों आपने उस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिख देना है। दोस्तों, मान लीजिए मैंने इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिख दिया है, नाम, ठीक है, नाम की जगह आपने अपने दुश्मन का नाम लिखना है और दोस्तों प्लस का निशान डालकर आपने दोस्तों लिखना है ओम वश कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। दोस्तों, इतना लिखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस नींबू को बीच में से काट देना है चार हिस्सों में। चार हिस्से दोस्तों आपने इस तरह से काटने हैं ताकि दोस्तों वो नींबू कट के नीचे ना गिरे, जुड़ा रहे। दोस्तों, ऐसा करने से आप अपने दुश्मन को अपने से दूर कर सकते हैं और दोस्तों आप अपने दुश्मन को तड़पा सकते हैं और उसको बीमार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दुश्मन को वश में करने का टोटका उपाय मंत्र। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें और दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल टोटके मंत्रा को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जो नंबर आपको हमारी स्क्रीन वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप इस पर ही कॉल करें। जो नंबर कमेंट बॉक्स में आते हैं, अगर आप उस पर कॉल करते हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है दोस्तों, आप इन पर ही कॉल करें। और दोस्तों, अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, दूसरी वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।